नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आरजे ऑटोमोबाइल में, यूट्यूब का चैनल जिसमें ऑटोमोबाइल के सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। गाइस, इसी तरीके से आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंजीनियम इंजन। यह इंजीनियम इंजन एक बहुत ही नए टाइप का इंजन है जिसे जैगुआर ने अपने खुद की इंडस्ट्री में डेवलप किया है। गाइस, यह इंजीनियम इंजन बेसिकली पावर और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक उसी तरीके से एमिशन कंट्रोल करने के लिए भी यूज किया जाता है। गाइस, आज हम 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजीनियम इंजन की बात करेंगे। गाइस, आप जानते नहीं कि इससे इनक्रेडिबली लो एमिशन मिलता है, इससे CO2 ऑलमोस्ट 99 किलोमीटर पर ग्राम तक इन्होंने अचीव किया है। गाइस, यह एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो आइए देखते हैं कि इंजीनियम इंजन वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों, हमारे आज का टॉपिक है इंजीनियम इंजन। इंजीनियम इंजन बेसिकली इंजन की पावर और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, और इसका एक तीसरा फैक्टर है जो है एमिशन कंट्रोल। तो गाइस, बेसिकली इंजन में पावर और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए टर्बोचार्जर या CRDI इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, बट इसमें कुछ इंक्रीमेंट करके वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर का यूज़ किया जाता है और कॉमन रेल डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है जिससे क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। गाइस, इंजीनियम इंजन की खासियत है कि यह एक बहुत ही लाइट वेट इंजन है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजीनियम इंजन लिया गया है। यह इंजीनियम इंजन एल्यूमिनियम से बना होता है, दैट्स वाई ये बहुत ही लाइट वेट इंजन होता है। इसकी एक और खासियत है कि इसे बहुत ही लो फ्रिक्शन जनरेट होता है, क्योंकि इस इंजन में एडवांस्ड कैम शाफ्ट रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया है, और लो फ्रिक्शन जनरेट करने के लिए कंप्यूटर से ऑपरेटेड ऑयल पंप, वाटर पंप, एसी कंप्रेसर, अल्टरनेटर्स का यूज किया जाता है जिससे बहुत ही लो अमाउंट का फ्रिक्शन जनरेट होता है और इंजन की पावर और एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट आती है। तो ये थी गाइस पावर और एफिशिएंसी की बात। आप देखते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम मतलब एमिशन कंट्रोल। इंजीनियम इंजन से बेसिकली एग्जॉस्ट एमिशन में बहुत हद तक कंट्रोल किया गया है। गाइस, यह इंजीनियम इंजन यूरो 6 को फॉलो करता है। यूरो 6 सितंबर 2015 से लागू किया गया है, जिसके तहत एग्जॉस्ट गैस को लेस हजार्डस गैस में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है, और एग्जॉस्ट गैसेस को कंट्रोल करने के लिए इसमें EGR सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, इंजन की फोर्थ स्ट्रोक में एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, तो ये एग्जॉस्ट गैसेस टर्बोचार्जर से होते हुए एग्जॉस्ट पाइप से होते हुए एटमॉस्फेयर में जाती हैं। तो गाइस, सबसे पहले क्या होता है, एग्जॉस्ट गैस यहाँ वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर के टर्बाइन को रोटेट कराता है और एग्जॉस्ट पाइप में आता है। तो गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले एग्जॉस्ट गैसेस ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट चैम्बर से होकर गुजरता है। इस चैम्बर में हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज किया जाता है। अब यह चैम्बर से बाहर निकलते हुए एग्जॉस्ट पाइप में जाती है, जहाँ डीजल एमिशन फ्यूल इंजेक्टर होता है। इस फ्यूल इंजेक्टर से यूरिया का सॉल्यूशन इसमें इंजेक्ट कराया जाता है। अब गाइस, क्या होता है, एग्जॉस्ट गैसेस से यूरिया सॉल्यूशन रिएक्ट करता है और हजार्डस गैसेस को लेस हजार्डस गैसेस में कन्वर्ट करता है। इसके बाद यह एग्जॉस्ट गैसेस कैटलिटिक कन्वर्टर में पहुंचाया जाता है। यहाँ कैटलिटिक कन्वर्टर में नॉक्स रिड्यूस होता है, पर्टिकुलेट्स मैटर्स भी रिड्यूस होते हैं। बेसिकली कैटलिटिक कन्वर्टर में हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और फाइनली हमें ऑलमोस्ट क्लीन एग्जॉस्ट गैस मिलती है जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। गाइस, मैंने कहा था इंजीनियम इंजन में EGR सिस्टम का भी यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ द लो एमिशन। यह EGR सिस्टम हजार्डस गैसेस को लेस हजार्डस गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ कैटलिटिक कन्वर्टर के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, वहां से एक पाइप निकलता है। यह पाइप EGR रिटर्न पाइप कहलाता है। इस पाइप से होते हुए एग्जॉस्ट गैसेस की कुछ मात्रा को EGR कूलर से गुजारा जाता है, जहां पे हाई टेम्परेचर के एग्जॉस्ट गैसेस लो टेम्परेचर एग्जॉस्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यह गैस इस पाइपलाइन से होते हुए एटमॉस्फेरिक एयर से मिलता है, मतलब फाइनली फ्रेश चार्ज बनाता है, और यह फ्रेश चार्ज
वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर के कंप्रेसर से सक करके इंजन में एंटर कराया जाता है, जिससे हमारे इंजन की पावर और एफिशिएंसी बढ़ जाती है और साथ ही साथ इंजन से एग्जॉस्ट गैसेस जो कि बहुत ही हजार्डस होते हैं वो लेस हजार्डस गैसेस में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और फाइनली हमारे पास में नाइट्रोजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही एटमॉस्फेयर में रिलीज की जाती है। सो गाइस, यह था इंजीनियम इंजन। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे आज की वीडियो को देखने के लिए, जो कि था इंजीनियम इंजन। तो गाइस, हम जानते हैं कि इंजीनियम इंजन से पावर और एफिशिएंसी बढ़ती है, जिससे एमिशन कंट्रोल भी कम होता है। तो गाइस, यह इंजीनियम इंजन बहुत ही कारगर है। और तो दोस्तों, यदि आपको आज हमारा वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ सीखा, तो नीचे लाइक का बटन ज़रूर हिट करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।